अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे फ्रेंड्स ते सब्सक्राइबर्स नू 28 दिसंबर है आज। ए कबूतर है मेरा वापस आया है थोड़ा क्वारंटीन च। ये स्टॉकपोर्ट तो वापस आया संधु साहब के घरों, ये उन्होंने दिता सी उड़ान ली, उन्होंने उड़ाया तो वापस आ गया। ये जट बोर्डन टू जड़े ने उन्होंने बिचों है ते एक कबूतर वापस आया। तो बेसिकली मेरी मेन वीडियो जड़ी सी ओदा मकसद है कि मैं आज कबूतरों लिए दाना तैयार कर रहा सा सर्दियों के मौसम के विच। यह तेल है जड़ा कि मैं तुहानू दूसरी वीडियो दस्या कि तेल किस तरह बनाना है। ये गार्लिक ऑयल इनू कह लो, पिजन ऑयल कह लो, फिश ऑयल कह लो, एक मिक्सचर है काफ़ी सारे ऑयलों का। तो इतने जो तुम देखो ते ए दाने दे उते मैं ऑयल लाया, तुसी दाने दे कलर तू देख सकते हो। ठीक है, इस सारे दाने नू आज ऑयल लाया। पहली गल है कि ये दाने जिहड़ा मैं कबूतरां नू फीड करवाना ब्रीड एंड वीन, इत्थे साडे नू ब्रीड एंड वीन कहिंदे ने। BGF दा दाना है, बहुत अच्छा है। मानचेस्टर दे विच जिहड़े भरा ने ओ अकरम भाई ते अमजद भाई नाल राबता करके उन्हां कोलों मैं दाणा बाय करना। कोई भी किसी भरा नूं दाणा चाहिए होए उत्थों लै सकदा, BGF दा सारा दाणा उत्थे अवेलेबल है। अमजद भाई ते अकरम भाई मानचेस्टर दे विच सारे लोग अमजद भाई ते अकरम भाई नूं जानदे ने, पुराने खिलाड़ी ने। ते अजकल दाणे वाला सारा काम उत्थे वे ब्रीड एंड वी ने। इहदे विच सारे किस्म के 7-8 किस्मां दे बी ने पाकिस्तान दे विच। जे कोई भरा इंडिया पाकिस्तान बनाना चाहे, ए चिक पीज ने जिन्हां नूं असीं मटर कहने आ, मटर पा सकते ने, चने पा सकते ने पाकिस्तान इंडिया दे विच। उस तों बाद विच कणक है, कणक दे नाल ए वाइट दारी इहनूं कहीदा। इत्थे पाकिस्तान दे विच बाजरा इहदी जगह ते पै सकदा जे तुहानूं ये अवेलेबल ना होए। नाल ए मोठ ने, उस तों इलावा रैड दारी है, उस तों इलावा ये जिहड़े ने सारे दाने का तो खैर मैनू भी नहीं पता। तो भंग दे बी ने, धतूरे दे बी ने। ठीक है, उस तो बाद मूंजी है, मूंजी कह लो, जवी कह लो, हूँ मैनू भी नहीं इतना पता। ठीक है, लेकिन यह सारे बी ने जिहड़े भरावां नूं पता है वह वेख के आपे समझ लैणे। कंप्लीट न्यूट्रिशन ने कबूतरां नूं फीड करवाउण लई बेस्ट दाना है। इहदे विच मैं 2 टेबल स्पून जड़ा 3 टेबल स्पून रफली जड़ा ना जो मैं बोतल के जड़े ढक्कन ने ना ये 3 ढक्कन ऑयल पाया। ये दाना होना है कोई 5-8-10 किलो दाना होना है। 3 ढक्कन ये मैं ऑयल दे पाए ने, ये ऑयल है तुहानू मैं खोल के ये फरमेंट करवाया ऑयल है जी। 1 साल तो ये फरमेंट हो रहा है। ये बेच मसाले वगैरह पाए ने, ए सारे मसाले वगैरह पा के मच्छी का तेल पा के ओलिव ऑयल पा के ते जवैन सारे गरम मसाले दार चीनी गार्लिक ज़्यादा ये गार्लिक पाना है। गार्लिक जड़ा ना लसन जिन्हों कहने हैं लसन पा के कुट के रख देना ऑयल दे, तो ऑटोमैटिकली गार्लिक ऑयल थोड़ा ना 6-1 महीने तैयार हो जाएगा। जो तुम धुप्पे रखो ना तो बहुत ज़बरदस्त ऑयल तैयार होंगे। ये ऑयल इस दाने ला लेना। हूँ इस तू अलावा मैं की कराँगा, ये मैं कुछ 2-3 हफ्तों का दाना कट्ठा रेडी कर लेना। हूँ ये मैं ऐड कराँगा। बेशक मेरे को थोड़े जे कबूतर ने, मैं कबूतर ज़्यादा हटा दिते ने, ते ये थोड़े जे कबूतर ने, लेकिन इन्हों मैं फिर भी कोशिश करना कि इन्हों की कंडीशन हेल्थ कंडीशन अच्छी रहे। हूँ असी की करना ये लै के ना एक ये 10 किलो दाने दे उते 2 ये 3 टेबल स्पून पा के ये अच्छे तरीके मिक्स कर देना।
दाने के उत्ते जो कि ऑयल लग्या होएगा फिर एक पाउडर जड़ा ना सारे दाने के उत्ते अच्छे तरीके ना चंबड़ जाएगा। सारा पाउडर उस दाने के उत्ते ऑयल के नाल चंबड़ गया। ये मैं दाना रेडी कर लिया। तो ये ऑयल जिहड़ा सर्दियों के जरूरी यूज़ करना ये यूज़ कर लेना, कभी कभी विच एला पाउडर पा लेना जो खासकर बच्चे सजे हो, यंग बर्ड सप्लीमेंट ये पाउडर भी बहुत अच्छा है। तो वैसे ऑल ऑफ द ईयर नैचुरल द विटामिन और बहुत अच्छा पाउडर है, इनू यूज़ करना। फिर यह वे तुसी ऑयल नहीं लाना चाहते तो जस्ट रेड सेल दाने के उत्ते लाओ, लेकिन वो 10 किलो दाना नहीं, तुसी किलो दाना लैदा करके एक ढक्कन रेड सेल का पा के चंगे तरीके नाल उनू मिक्स कर लो, क्योंकि रेड सेल काफ़ी गाढ़ा होंदा ते इनू लगदा थोड़ा टाइम। इहदे नाल सब तो बेहतरीन दाना तैयार हो जाता है कबूतरां दे लई। इस तो अच्छा दाना मेरा नहीं ख्याल कोई इस तो अच्छा दाना जड़ा ना होर भी हो सकता है। बाकी पाकिस्तान ने जे चीज़ अवेलेबल नहीं हो दे, देसी नुस्खे ने, लोग देसी नुस्खे भी, देसी दवाइयाँ भोरे रोटी के भोरे वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन कबूतरों को दया करो जेडे तुसी खुडे च बंद करके रख दियो ताकि कबूतर अपनी बेस्ट कंडीशन च रहन। ते हुण सर्दियों का मौसम है ते आ बच्चे पाल रहे ने, तुहानू मैं बच्चे दिखा देना ताकि तुहानू पता चल जाए। बस ये देखो ये सर्दियों बच्चे पाल रहे ने, माशाल्लाह हेल्दी बच्चे ने। इन्हां दे भैन भरा ने मोल्टिंग पे ने, ये जोड़ा पाल रहा है।